ए बहन, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, लेकिन हमको भरोसा नहीं है। वो लोग ऐसी हैं कि इफ्तारी में तावीज रख के देती हैं। हमारे का तो आती है भैया, हम लोग खाते नहीं। अरे रोजा इफ्तार का क्या है, कुछ बताओगी? हम क्या बताएं? हमें बनाना तुमको है, तुमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? रुको, हम अभी बात कर रहे हैं। ऐसा है भैया, हमारे इतना दम दरूद नहीं है कि हम तीन तीन मंजिला चढ़े रोजे में, और मेहमान कोई हाथ नहीं बटा देता है। बिरयानी बनवा लीजिए, दो डेग आएगी, अपना बट जाएगी। हमारा रोजा इफ्तार में कहाँ बिरयानी अच्छी लगती है? ऐसा अच्छा लगता है, बिरयानी बनवाइए, हम बटवा देंगे। कोई साथ नहीं देता, खा के सब चले जाएंगे। हमें हम नहीं घर पे बिरयानी बना पाएंगे। बनने से पहले सफाई करो, बनने के बाद सफाई करो। चलो फिर, 8-8 किलो की जो है दो डेग बनवा ले रहे हैं फिर। और सुनिए, घर के बाहर बनवाने का ना लश्करा पाल लीजिएगा कि पता लगा रहा मसाला पीस दो, गोश्त धो दो, तो फायदा ही क्या? हाँ हाँ, उससे कह देंगे भैया, घर के बाहर नहीं बनवाएंगे। ऑर्डर दे दीजिएगा, वो रिक्शे पे लाद के भेज देगा, अपना बटवा देंगे, जो बचेगा घर पे रोक लेंगे रोजदारों के लिए। चलो जैसा बताओ वैसा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सवाब के लिए अफ्तार होता है, कोई दावत थोड़ी ना होती है। और बिरयानी से ज्यादा अफजल क्या है खाने में?